नमस्कार। अगर आपके पास एक विंडोज़ पीसी या फिर लैपटॉप है और आपको नहीं पता कि उसमें जो विंडोज़ इंस्टॉल्ड है वो जेन्युइन है या फिर पायरेटेड है, तो आप ये वीडियो देखते रहिए। मैं आज आपको बताने वाला हूँ कि आप इसको कैसे चेक कर सकते हैं और दुकान वाले आपके साथ कैसे स्कैम करते हैं। तो कई बार ऐसा होता है कि आप लोग ऑनलाइन एक जेन्युइन विंडोज़ का प्रोडक्ट की खरीद के दे देते हो दुकान वाले को आपके कंप्यूटर पे या फिर लैपटॉप पे इंस्टॉल करने के लिए, और वो लोग क्या करते हैं कि आपका जो जेन्युइन की है उसको अपने पास रखते हैं और आपको एक पायरेटेड विंडोज़ इंस्टॉल करके दे देते हैं, और बाद में वो जेन्युइन की किसी और कस्टमर्स को वो बेच देते हैं। तो आपको विंडोज़ जेन्युइन है या फिर पायरेटेड है इसको चेक करने के लिए दो मेथड्स हैं। सबसे पहला मेथड है कि आपको विंडोज़ के सेटिंग्स पे जाना होगा और उसके बाद जाना होगा एक्टिवेशन पे, और एक्टिवेशन स्टेटस पे अगर दिखा रहा है कि विंडोज़ इज़ एक्टिवेटेड बाय ए डिजिटल लाइसेंस, तो आपका जो विंडोज़ है वो जेन्युइन है। और इसके अलावा अगर कोई और चीज़ वहाँ पे लिखा रहा है जैसे कि विंडोज़ इज़ एक्टिवेटेड बाय योर ऑर्गेनाइजेशन, तो आपका जो विंडोज़ है वो शायद जेन्युइन नहीं है, आपको दुकानदार ने पायरेटेड विंडोज़ दे दिया है। तो अब आते हैं सेकंड मेथड पे। इसके लिए आपको कमांड प्रॉम्प्ट में जाना होगा। इसमें जाने के लिए आपको विंडोज़ आइकन पर राइट क्लिक करना होगा और उसके बाद रन को सिलेक्ट करना होगा। उसके बाद रन का जो डायलॉग बॉक्स आएगा उसमें आपको टाइप करना होगा CMD और आपका जो है कमांड प्रॉम्प्ट ऑन हो जाएगा। वहाँ पे आपको टाइप करना होगा SLMGR/XPR। ये सब टाइप करने के बाद आपको एंटर कर देना होगा, और अगर आपके सामने परमानेंटली एक्टिवेटेड नाम का एक छोटा सा विंडो आ रहा है तो आपका विंडोज़ जो है वो जेन्युइन है। और अगर आपके पास ये नहीं आ रहा है, कोई ऐसा लंबा सा एक टेक्स्ट आ रहा है और वहाँ पे एक लिमिटेड टाइम दिखा रहा है कि उसके बाद आपका विंडोज़ जो है फिर से डीएक्टिवेटेड हो जाएगा, तो उसका मतलब है कि आपका विंडोज़ जो है वो जेन्युइन नहीं है, पायरेटेड है। तो यही था वीडियो। अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग इन्फो। बाय।